गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू दिस टाइप. इंटीग्रेशन x माइनस थ्री होल अपॉन x माइनस वन होल क्यूब e टू द पावर x. तो मैंने आपको बताया था कि इसको सबसे पहले स्प्लिट करो, पहले इनको इन दो फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसको लिखने का तरीका इस टाइप से होता है. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ गया. अब एक्स स्क्वायर एक क्या आएगा, जीरो आएगा. जो आपका माइनस का टू ए प्लस बी क्या आएगा, आपका वन आएगा. कंपेयरिंग कोफिशेंट एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट एंड ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री माइनस थ्री. अब ए की वैल्यू जीरो रख दी तो बी इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा. ए जीरो आएगा और ए जीरो आ गया, बी की जगह वन रख दिया तो सी इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन यानी कि सी इक्वल टू माइनस टू आ गया. अब इन वैल्यूज को उठा करके पुट कर देते हैं, ये तो जीरो हो गया तो एक्स माइनस थ्री. अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये तो जीरो हो गया, बी की जगह आपने क्या रख दिया, वन. तो वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू माइनस टू टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब. अब आपका ये आ गया. अब आप ध्यान से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा है देखिए. एक्स टू दी पावर माइनस वन की पावर माइनस टू, तो इसको आप इधर लेके आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से एक जाएगा नीचे तो ये आपका आ जाएगा और फिर आप इसके अंदर जाएंगे तो वन आ जाएगा. तो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ डैश एक्स हो गया. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. यानी इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा. नेक्स्ट. अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब आप कहेंगे सर ये तो इस टाइप का दिख भी नहीं रहा है, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है. आप इसको टी मान लीजिए तो आपको पता है इसको जब अगर लॉग में लिखते हैं, ये तो लॉग में है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ये तो वन हो गया, ये ई टू दी पावर टी डी टी अपॉन डी एक्स. तो डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लीजिए, यानी कि डी एक्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, ई टू दी पावर टी डी टी. लॉग एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर. और आपको मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी कराया था, ई टू दी पावर एक्स वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी टी का आंसर क्या आता है, ई टू दी पावर एक्स वन बाई टी, ई टू दी पावर टी वन बाई टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, टी क्या है आपका, लॉग एक्स. ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, नोट कर लीजिए.